हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुकी है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। और आजकल बच्चों की है ना आदत बहुत ही गंदी हो रखी, गंदी हो रखी हो रखी, गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 का टाइम और हम लोग जो है मॉर्निंग वॉक पे आए हैं, मेरा बेटा और मैं। और मेरा जो है बच्चों के लिए नाश्ता भी रेडी हो गया क्योंकि अभी उठाए, इसकी अभी अच्छे से नींद नहीं खुली। अभी जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो मेरा बेटा जो है हो चुका है तैयार स्कूल जाने के लिए। ये देवान पंवार, इसकी जो है बहन आने वाली है और अभी जाना है इसको दुकान। आजकल जो है बिना पैसों के जो है स्कूल नहीं जाते, आजकल बच्चों की है ना आदत बहुत ही गंदी हो रखी, गंदी हो रखी हो रखी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है 12:30 बज चुके हैं और मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर दिए। और सुबह से जो है इतने काम रहते हैं लेडीजों को, तो पता ही है कि लेडीजों के कितने काम रहते हैं। तो मेरे भी जो है ना बच्चे स्कूल जाने के बाद इतना काम फैल जाता है कि कपड़े सामान इधर से उधर, तो उनको समेटने में नाश्ता बनाने में काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो मैं अभी नहा धो के अभी जाके रिलैक्स हुई हूँ, अभी फ्री हुई हूँ। और आजकल जो है बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो बच्चे भी 12 बजे आ जाते हैं, तो अभी वो छत पर बैठ के चकोतरा बना रहे हैं और मैं जाऊंगी अब चकोतरा खाने। और आप लोग भी आ जाओ सब, तो सब साथ में बैठ के चकोतरा खाएंगे। और मैंने जो है कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे, तो कपड़े बाद में फैलाऊंगी, पहले चकोतरा खाएंगे। वैसे मैं खट्टा खाती नहीं ज़्यादा, लेकिन चकोतरे ज़्यादा खट्टे नहीं होते, तो आज मैं भी उनके साथ बैठ के खाऊंगी। और जब तक हम चकोतरा बनाते हैं तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तो आ जाओ आप लोग भी जल्दी जल्दी। ये है चूग और इसे गलगले भी कहते हैं, हर लैंग्वेज में इसे अलग अलग चीज़ें कहते हैं। और ये है चकोतरा जिसे हम अभी काटेंगे। इसको ये तो सभी को पता होगा कि एक्चुअली है क्या चकोतरा, तो ऑलमोस्ट सभी खाते हैं। ये चूग है, ये पेड़ों पे काफ़ी अच्छे लगते, तो हमने सोचा आज हम इसे बनाएंगे। तो लेट्स सी, ये हमारी भाभी है, ये हम इसे एक एक करके कट करेंगे, फिर आपको साथ में दिखाते जाएंगे आखिरकार इसे बना के खाते कैसे। सो चलते हैं। जब तक भाभी चू काट रही है तब तक हम चकोतरा काट लेते हैं, फिर दोनों मिक्स करके या फिर अलग अलग दिखाएंगे कैसे खाएंगे। तो काट देते हैं इसको। अच्छा, हमको सिखा रही। सो गाइस, ये अभी हमने कट कर लिया है चकोतरा, उसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं बीज काफी सारे हैं। अब हम इसे छीलेंगे या फिर इसका ये वाला पार्ट हटा के ये वाले पार्ट को हम निकालेंगे। सो ये देखो आधे से ज़्यादा चूक कट चुके हैं, बाकी ये भी कट कर निकले हैं। और अभी हमने ये चकोतरा काटा था, देन हम इसको अब काटते हैं। तो ये हमने काट दिए हैं, इसका यह है। अब हम इसको भी इस टाइप में ऐसे छीलेंगे। पहाड़ियों को तो पता होगा, वो तो ऑलमोस्ट पसंद करते हैं ये सब चीज़ें खाना, थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह पहाड़ में काफ़ी चलता है। तो अभी ये हमारी चूग गलगले कट रहे हैं और ये मैं अभी चकोतरा काट रही हूँ। तो भाभी ने कटिंग करना शुरू कर दिया, तो हम भी इसको इसी तरह ही काटेंगे। तो लेट्स काटते हैं। हम इसका ये वाला पार्ट जो है अलग कर लेते हैं, फिर ये वाला सारा हटा के इसके बीच जो है हम साइड कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच तो काफ़ी कड़वे खट्टे से होते हैं, तो कोई पसंद करता है नहीं। तो हम इसको निकालेंगे बिल्कुल ही। काफ़ी चकोतरा काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सॉफ्ट भी है, खाने में काफ़ी टेस्टी। अब ये ऑलमोस्ट निकल चुका है, अभी पापा जी एक निकाल रहे हैं, भाभी वो बना ही रही हैं। अब हम इसमें नमक मिर्च वगैरह मिक्स करेंगे, पहले इसके बीज ज़रा एक एक करके साइड कर लेते हैं। काफ़ी बीज है इसमें और ये काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है खाने के लिए और अच्छा है। ये हो गए हमारे, वो भी हो गए, बस एक रह गया। देख रहे हो गाइस उसमें से कितना रस बाहर आ रहा है, काफ़ी रसीला है। इसमें पापा ने अपने लिए मसाले वगैरह डाल लिए हैं, ये पीसा हुआ चटनी, नमक और वगैरह सब डालें। तो भी आप देख सकते हैं कितने अलग अलग वैरायटी का है, तो हम इसमें भी डालेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
अब ये भाभी डाल रही है उसमें मसाले वगैरह, ये पीसा हुआ नमक है जो हम घर पे खुद पीसते हैं, इसमें काफ़ी स्पाइसी होता है। और डालो भाभी पीसा हुआ नमक है, और ये अभी वाइट नमक इसमें डलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी खट्टा होता है। और ये सब लोग बैठे हुए हैं खाने वाले, ये राखी, ये मम्मा है, ये मेरी दादी है, और ये देखो अब हम आपको रेडी होने के बाद दिखाएंगे। ये जो पीसा हुआ नमक है ये मम्मी ने पिछले वीडियो में पीस के आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। इसमें अब मैंने पीसा हुआ नमक, वाइट नमक मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। मम्मी चीनी मिक्स कर दे यहाँ पे गाइस कॉमेडी चल रही है, मम्मी क्या बोलते हैं, हमने अभी चीनी मिक्स कर दी है, अभी हम चीनी जितना मतलब आप लोगों को अच्छा लगे उतना चीनी क्या बोलते हैं डाल सकते हैं। और एक ये हमारा छोटा सा शेर, वही काना काना यहाँ देख, हाय कर, ये रीलों में चिपका हुआ रहता है पूरे दिन भर, इसको फोन दे दो किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी संडे गया, अभी सैटरडे, आज तो हम बैठे हुए हैं सारे लोग मज़े कर रहे हैं, ये बना के हम मज़े करेंगे, तो एट लास्ट फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मम्मी ये अभी मिक्स कर रही है, और उसके बाद मम्मी मिक्स कर दो, ये भाभी ने चूक जो है मिक्स कर दिया, तो इसमें जो सूप बनता है ना इतना टेस्टी, इतना खट्टा बनता है ना। और ये काना तो फ़ोन पे ही ऑलमोस्ट चिपका हुआ है, ये मम्मी से मिक्स कर रही है, ये चकोतरा है, वो चूक है, ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे होंगे, बट वो ज़्यादा ये वाला जो है ज़्यादा खट्टा होता है, और ये वाला तो ठीक होता है। इसमें चूग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुकी है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। और ये देखो मम्मी जो है ना पानी आ रहा मेरे मम्मी बनाते बनाते मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है, एंड देख सकते हैं ये हमारी भाभी है, ये देखो चीनी खा रही है। चूग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुकी है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। और ये देखो मम्मी जो है ना पानी आ रहा मेरे मम्मी बनाते बनाते मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है, एंड देख सकते हैं ये हमारी भाभी है, ये देखो चीनी खा रही है, चुका है, ये है चकोतर, दूसरी ये चू, तो अभी हम इसे खाएंगे। मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसा है, ऐसे करना, हाँ हाँ ऐसे ही करो। इसमें जो मम्मी का वीडियो है उसमें कैसा पीसा हुआ नमक कैसा बनाया गया था उसमें देखना, इतना टेस्टी पीसा हुआ नमक डल जाए तो ये दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब हम इसे बैठ के खाएंगे, एंड इट्स लुक वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो भाभी इसमें वाइट नमक और मिला रहे हैं, शायद कमी होगी। और ये काना के लिए जो है इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, तो ये काना मिर्च वाला देंगे, बस बस बहुत है, वो छोड़ देगा। देखो ये हमारी दादी है, ये हमारी दादी है, एंड एक उसमें हम दादाजी को देंगे जो नीचे, तो ये रेडी हो चुका है, बन चुका है, अब हम इसे सारे बैठ के खाएंगे जैसे मम्मी ने आपको टेस्ट करके बताया था, इसे खाएंगे और इसके मज़े लेंगे। सो मैं फिलहाल के लिए टाटा, खाने के बाद आपको मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज जो है ना चकोतरा खाने में बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठ के, लेकिन तीखा भी बहुत था और टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में, अब लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो लंच बनाऊँगी। लेकिन हमने तो खाना नहीं जिन्होंने चकोतरे खाए, क्योंकि हमारा तो पेट और मन दोनों भर गया, लेकिन जो घर पे नहीं थे जिन्होंने चकोतरे नहीं खाए उनके लिए लंच बनाऊंगी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर